तो यार वैसे कहना नहीं चाहिए बट ठीक है, वो भी मेरे साथ सब लोग बात करते ही हैं, सब लोग की हेलो है ही मेरी। यार ये सीजी के लौंडे जब भी इंटरव्यू इंटरव्यू दे रहे हैं तब ये लोग मतलब ओमेगा को तो ये लोग ऐसा बना दे रहे हैं कि बेंचो वो तो कभी था ही नहीं कुछ उनका, है ना? ऐसा फील हुआ तुम्हें? मुझे भी फील हुआ। जस्ट अ सजेशन टू न्यू बॉयज, तुम लोग इतना भी ऐसा भी कर सकते हो कि यार पहले अच्छा कर रहा, पहले उसके साथ अच्छा हो रहा था, अब अच्छा नहीं हो रहा, अब हेक्टर के साथ अच्छा हो रहा है। बट ऐसा नहीं आना कि सामने वाले बंदे को तुम फ्लश आउट ही कर दो। अब कल को जाके अगर हेक्टर के साथ परफॉर्मेंस ना आई फिर हेक्टर के साथ भी ऐसा करोगे? ये चीज़ थोड़ी सी एक ठीक करने वाली है लोगों को। हाँ हुआ, थोड़ी सी इम्प्रूव करने वाली है, एज अ पर्सन इम्प्रूव करने वाली है। ये हमारा ओपिनियन है, हमें नहीं पता इंटरनल्स क्या हुए हैं, बट मैं कोई ओमेगा की साइड नहीं ले रहा क्योंकि मेरी ओमेगा के साथ भी कुछ इतनी खास बात नहीं होती। कभी कभार जैसा तुम लोग चैट में बोल देते हो कि अभी ये हो गया, कभी 2-4 महीने में एक बार हो जाती है, बट आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम शुरू उसके साथ किए थे। वो लौंडा काफी ज्यादा स्टैंड लेता था अपने लौंडों के लिए, बट आज अगर तुम इंटरव्यूज में आके कूल बन रहे हो तो दैट्स नॉट राइट। टाइम होता है, समय होता है, चला जाता है प्लेयर्स का, हर एक प्लेयर टिक नहीं पाता है ज्यादा टाइम, तो डोंट डू दैट यार। कल को तुम में से चारों में से कोई खराब कर दे फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसको भी ऐसे कर दोगे? बट अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा कर रहा है, अगर तुम उसकी पीठ पे उसके बुरा करने का ट्राई करोगे या इंटेंशनली उसका कुछ बुरा करोगे ना, तो फिर बाबू भैया कर्मा होना ही है, नॉट फॉर द सीजी गाय, नॉर्मली तुम्हारे साथ बुरा होना ही होना, आज नहीं तो कल। एटलीस्ट जो तुम्हारा अच्छा सोचता है उसके लिए अच्छा सोचो, उसकी ये मत करो। कर्मा ई स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा दिखता है, अगर विश्वास नहीं तो हिस्ट्री चेक कर लो। यस आप लोग किसी और पे मत जाओ, मेरे पे ही आ जाओ। जितने भी लोगों ने अपनी चीजें मेरे पे डालने की कोशिश की है, ये टॉक्सिक है, ये है, वो है, लौड़ा है, लहसुन है, ये चूतिया है, जो भी ए टू जेड कुछ भी, जिसने जो भी मेरे बारे में बुरा बोला है, बल्कि आज तक मैंने सबका अच्छा ही किया, आज तक मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया, एक सिंगल पर्सन का, लोग मुझे याद भी कर लें तो किसी का किया होगा कि नहीं, एक किसी एक बंदे का भी, किसी का मैंने इंटेंशनली, किसी का इंटेंशनली भी अनइंटेंशनली भी किसी का बुरा तो सोचा ही नहीं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।